लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कई दशकों से अपने काम के बल पर नवी मुंबई में अपने काम की अलग छाप छोड़ने वाले शहर के पूर्व उपमहापौर भरत नखाते के जन्मदिन के खास अवसर पर वाशी में गणेश कृपा मित्र मंडल द्वारा सामाजिक सद्भावना के साथ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए नेत्र चिकित्सा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने इस मौके पर अपनी विशेष उपस्थिति दर्शाकर भरत नखाते को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जहां विभाग के प्रमुख पदाधिकारी और भरत नखाते समर्थक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गणेश नाइक ने यहां खुद केक काटकर अपने राजनीतिक शिष्य भरत नखाते को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान गणेश नाइक ने तुलसी का पौधा देकर किया। गणेश नाइक ने जहां समाज सेवी उपक्रमों पर खुशी जताई, वहीं अपने राजनीतिक शिष्य भरत नखाते के कार्यों की जमकर सराहना भी की। मेरे साथी भरत नखाते आज उम्र की 56 साल पूरे कर 57वें साल में पदार्पण कर रहे हैं और इस शुभ अवसर पर ये जो सीनियर सिटीजन के लिए जो बनाई हुई जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन का सम्मान भी किया गया। पहली पंचवार्षिक इलेक्शन हो गई, उस टाइम में भरत नखाते को टिकट देने की स्थिति नहीं थी। भरत की इच्छा थी मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो मैंने बोला आज अभी टिकट मत ले लो, आगे चल के देखेंगे। बस इलेक्शन हो गई, नई मुंबई महापालिका की NM नई मुंबई महापालिका ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शुरू हो गई, भरत को परिवहन समिति पे लिया गया, सभापति बनाया गया। अब जो उसने संयम और एक विश्वास जताया, उसके कारण दूसरे पंचवार्षिक इलेक्शन के टाइम में भरत को यहाँ से टिकट दिया गया, भरत चुन के आया, भरत डिप्टी मेयर बन गया। नई मुंबई के इस 25 साल के इतिहास में महापालिका के दोबारा डिप्टी मेयर बनने वाला भरत ने की अकेला ही व्यक्ति है। अभी एक साल कभी ट्रेन छूट गई पंडरपुर के विठोबा के पास जाने की, तो इसका मतलब दूसरे साल में ट्रेन मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं कुछ। अभी आज प्रभाग समिति का ऑब्जेक्शन लेने का आखिरी दिन है, प्रभाग रचना ये जो बनाई वो फिर से स्क्रैप करके नए सिरे से प्रभाग रचना की जाए, ऐसी हजारों लोगों की यहाँ पे मांग रहेगी। पैरल हम लोग, मेरे साथी लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो जैसी प्रभाग रचना का
पूरा निर्माण हो जाएगा, उस पर महिला पुरुष जनरल ओबीसी तो नहीं है अभी आजकल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये जो रिजर्वेशन का मतलब मसला पूरा हो जाएगा, तब जाके पूरा उस पर सोच समझ के जो कार्यकर्ता सभी अच्छे हैं। भरत को 2017 में टिकट दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 15 में, लेकिन दुर्भाग्यवश उस टाइम में वातावरण अलग था, इसलिए भरत को सक्सेस नहीं मिला। लेकिन एक बार नहीं सक्सेस मिला इसका मतलब जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चल के भरत है, भरत का पुत्र अक्षय है, अभी जैसे कि मैं था, संजू नायक, संदीप नायक, सागर नायक आ गए, अभी वो भी एमपी बने, एमएलए बने, मेयर बन गए, तो जैसा सोच समझ के क्या रास्ता निकालें क्या हम लोग देख लेंगे। और भरत नगर सेवक रहे न रहे, लेकिन भरत हमारे बहुत करीब का है, दिल के करीब का, ऐसा मैं समझता हूँ। वहीं पूर्व उपमहापौर भरत नखाते ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में केवल गणेश नाइक के ही विचारों की जीत होगी। ह्या सगळ्या गोष्टी करताना एक नेतृत्व होतं पाहिजे असतं, त्या नेतृत्व म्हणजे मी शालेय जीवनात असल्यापासून आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या म्हणजे त्यांची करंगळी पकडली, ती मला गॅरंटी आहे की मी शेवटपर्यंत ती धरून राहणार आहे, आणि नाईक साहेबांच्या विचारांनी चालण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे, आणि त्यांच्या विचारांना प्रेरित होऊन मी हे सगळे कार्यक्रम करतो। मी केवळ काल 13 तारीख रविवार होता म्हणून काल आपण टूर्नामेंट केल्या, आज माझे ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे आपण पाहिले असाल की माझे नोंदणीकृत ज्येष्ठ नागरिक ही 250 ते 300 कन्फर्म, म्हणजे हा इथे राहतात आणि ते इथे रोज येतात। खरं म्हणजे माझं नुकसान झालं आहे, मी ज्येष्ठ नागरिक केलं तर ज्यावेळेस मी चालू केलं तेव्हा माझे ज्येष्ठ इथे बसायचे, बाहेर बसायचे, इथे बसायचे, म्हणजे असं वाटायचं काहीतरी म्हणजे भरगच्च, पण आता ज्येष्ठ नागरिक त्यांना तिथे व्यवस्थित सुविधा झाली आणि ते तिथे, असं नुकसान झाल्यासारखं वाटतंय, परंतु आता कळतंय की आता 7 आहे, अजून 7-8 दिवसात मला तिथे जाऊन बसायचं आहे, म्हणजे भविष्यासाठी मी माझी पूर्वतयारी करून ठेवल्यासारखं मला वाटतं। आदरणीय नाईक साहेबांनी मला, मी पुणे जिल्ह्यातला, मी तिथून भायखळा, भायखळ्यातून इथे मी येता तिसरीत असताना इथे आलो, आणि मला असं वाटलं की एक म्हणजे लहानपणी एखादा नेत्याला बघितल्यानं एक आकर्षण निर्माण होतं, आणि मला त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर असं आकर्षण व्हायचं, कारण त्या नवी मुंबई ही छोटीच होती, सेक्टर 1 हे एवढंच, इथून संपूर्ण पाणी, इथे शेवटची बस होती, आणि मी लहानपणी घरी जाताना येताना बघायचो की डिगे साहेब, नाईक साहेब, सतीश प्रधान, म्हणजे त्या काळात म्हणजे फार मोठमोठी व्यक्ती अशी दिसायची, आणि मग ते बघून मला त्यांच्या ॲट्रॅक्ट झालं, मला असं वाटायला लागलं की ह्यांच्यावर काहीतरी बोलू, आणि मी त्यापासून मी अटॅचमेंट राहिली, आणि अशी व्यक्ती खरोखर मला छोटे मोठं काहीतरी असं वाटलं, माझं दुःख वाटलं, तर एक तर मी गणपतीच्या दर्शनाला म्हटला जातो आणि फारच काम आहे, तर आपलं बोनकोड्याला माझ्या साहेबाकडे जातो आणि त्यांच्याकडे दिसतं पाहिलं तरी मी माझं पूर्ण दुःख असंच बाजूलं होतं, आणि 14 तारखेला दादा मला कित्येक वर्ष त्यांचा आशीर्वाद असो, केवळ आशीर्वाद म्हणजे काहीतरी वेगळीच ताकद आहे ती ती मला मिळते, आणि माझ्या कौटुंबिक कार्यक्रमात सुद्धा संपूर्ण परिवार माझ्या घरी माझ्या गावी स्वतः वेळ काढून येतात, मंत्री असताना मंत्री नसताना, आता परत परत मंत्री होतील तेव्हासुद्धा येतील, मंत्री होणार आणि माझे कार्यक्रम होणार आणि दादा येणार। ब्युरो इनपुट, EW नेटवर्क।